बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ सरकार जिस तरह से सौतेला व्यवहार कर रही है उसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार में नियोजित शिक्षकों का जितना भी संगठन है आज सब पटना में एकजुट हो रहे हैं। हम लोग एक मंच बनाने जा रहे हैं और एक मंच बना करके इस निरंकुश निर्दयी सरकार से आर पार की लड़ाई अब लड़ेंगे। इसलिए हम तमाम लोगों से कह देना चाहते हैं कि सरकार को सड़क पर, सदन में और कोर्ट में जबरदस्त विरोध का सामना अब करना पड़ेगा। इसलिए हम आज सभी संगठन के लोग एक जगह बैठ रहे हैं और आपसी गिला शिकवा भुरा करके ये तीन बार परीक्षा लेंगे। पहले भी तीन बार बोले परीक्षा दीजिए, नहीं पास की जगह हटा देंगे। फिर एक नई नियमावली लिया है और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देना है, एक रुपया बढ़ाया नहीं जा रहा है वेतन में, और फिर एक नियम ला दिए कि तीन बार परीक्षा दीजिए और नहीं पास की जगह हटा देंगे। यह मनमानी है किसी का क्या? संविधान में जो हमको अधिकार मिला है उसका कोई हमसे छीन नहीं सकता, हनन नहीं कर सकता है। यह सरकार को सीधी चेतावनी है। आज हम लोग बैठे हुए हैं, अभी देखिए हमारे साथ माननीय हाईकोर्ट पटना के विद्वान अधिवक्ता हैं नवल किशोर सिंह जी, ओंकार सिंह जी। हम लोग बैठ के न्यायालय के तरफ भी अपना रुख कर रहे हैं, न्यायालय में भी सरकार को चुनौती देंगे। सड़क पर, सदन में, न्यायालय में त्रिस्तरीय रणनीति बना करके हम लोग चल रहे हैं और बजट सत्र में विराट आंदोलन करेंगे। कल चिट्ठी आ गई, तीन दिन पहले कमेटी बनती है और तीन दिन में अपना रिपोर्ट दे देती है। दो साल से हमारा स्थानांतरण का सॉफ्टवेयर बनता रह गया लेकिन स्थानांतरण नहीं हुआ, और हमको अगर बर्बाद करने के लिए कोई कमेटी गठित करेगा तो दो दिन में, तीन दिन में अपना रिपोर्ट दे दिया कि नियोजित शिक्षक 60 साल की नौकरी की नियमावली बनी थी उसको आप हटा दीजिएगा नया नियम थोप करके, या कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई सड़क पर, सदन में और कोर्ट में तमाम शिक्षक संगठन एकजुट होकर के लड़ेंगे। इसका आज हम लोग पूरी रणनीति तैयार कर देंगे। धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।